वेरी वेरी गुड आफ्टरनून गाइस, एंड उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। अभी तो मेरे पास कोई भी सब्सक्राइबर नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि आगे ज़रूर मेरा भी चैनल इंक्रीज होगा और लोग हमसे जुड़ेंगे, हमसे बातें करेंगे, हमारे पोस्ट को जानेंगे, समझेंगे और बहुत सारे चीज़ों पे मतलब के जानकारी हासिल होगा। तो मैं आउट ऑफ इंडिया रहता हूँ, गल्फ कंट्री में, अरब कंट्री में। तो बात यह है कि जो बंदा अगर अरब कंट्री में रह रहा है घर परिवार फैमिली के लिए, वो लाजिम कमाने के लिए आया फैमिली के लिए। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अगर कोई बंदा आता है यहाँ पे काम करने के लिए, जॉब करने के लिए, और वो कमाता है, जितने भी पैसे हासिल होते हैं वो अपने पास रखते हैं, तो सारा का सारा पैसा घर पे भेजना ठीक नहीं है। एक चीज़ इंसान को, ये कब मालूम हुआ मुझे, तकरीबन 4 साल 4.5 साल रह के गुजर के वक्त देखा, समझा, हालात समझा, तो इस बात का एहसास हुआ कि काश मेरे पास भी कुछ पैसा बचा होता तो जो भी मेरे काम पेंडिंग्स है, तो आज मुझे किसी के ज़रूरत या किसी का ये नहीं होना पड़ता। तो मैं इस टॉपिक पे ही आज बात कर रहा हूँ कि लोग जो यहाँ पे आते हैं, बंदा जो यहाँ पे आते हैं काम करते हैं, और जो पैसा होता है जितने भी कमाते हैं अपने नसीब से, हाँ, घर पे भेजे, अपना फैमिली परिवार के लिए ही इंसान आता है, अपने घर को संभालने के लिए, जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए ही इंसान मजबूरन कहे, या किसी बंदे का शौक होता है वो कहे आता है गल्फ कंट्रीज में या कहीं भी एब्रोड्स में। तो घर के साथ साथ अपना बैकअप भी ज़रूरी है कि वो पूरा करे, कुछ ना कुछ फिलअप करता रहे, ताकि बुरे सिचुएशन में, बुरे वक्त में उसके काम आ सके, ठीक है ना। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि थोड़ा ही सही अपना लाइफ के लिए, अपने आगे वक्त के लिए, वो थोड़ा ही पैसा एक वक्त में बहुत काम आता है। आज का वक्त ऐसा है कि किसी से अगर कुछ भी तलब किया जाए तो मुमकिन नहीं कि आपकी ज़बान पे कोई भी उतर सके या ज़रूरतमंदों को ज़रूरत पूरा हो सके। इसलिए अपना पैसा और अपना कमाए, अपना वक्त और अपना अहमियत इंसान अपने आप को ही संभाल के रखे तो बेहतर है। किसी से कोई उम्मीद ना करें, क्योंकि ये वक्त किसी से कोई उम्मीद करने का नहीं है। लोग सब अपने आप में हैं, और हाँ, कोई अच्छे रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, जिसके रिलेशनशिप्स अच्छे हैं, किसी की ज़्यादा मजबूरी है, तो उसके लिए इंसान को खड़ा होना चाहिए, इंसानियत के लिए खड़ा होना चाहिए। लेकिन ये चीज़ मेरे ऊपर हुआ है कि मैं कई बंदों के साथ अच्छा था, अच्छे बुरे वक्त में साथ था, लेकिन कभी कभी इंसान के साथ बुरा वक्त आता है तो सब ऐसे हाथ उठाते हैं। तो आज मैं एक्सपीरियंस अपना शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से, और इंशाल्लाह आगे भी अच्छी अच्छी बातों पे, टॉपिक्स पे बातें होती रहेंगी। सो प्लीज़, ये चैनल मेरा हसन अली खान है, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें इस चैनल को और इंक्रीज़ करें, आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो फिर इंशाल्लाह आगे फिर बात होगी अगले वीडियोज़ में, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।